स्टैंडर्ड 10 अलजिब्रा। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेट 2.2। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व करना मतलब जो अल्फाबेट इसके अंदर है, जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना। इनडायरेक्टली जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका रूट फाइंड आउट करना। इक्वेशन जो दिया है उसका रूट फाइंड आउट करना। अभी जो सम हमने किए थे जितने भी, और उसमें हमको एक्चुअली दिया था रूट। रूट देकर इक्वेशन के अंदर का कोई एक अल्फ़ाबेट फाइंड आउट करो, अल्फ़ाबेट का वैल्यू फाइंड आउट करो। मतलब वो अल्फ़ाबेट रियल में वेरिएबल नहीं है, नंबर के बदले में उन्होंने क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट दिए थे, तो वहाँ का नंबर क्या है वो फाइंड आउट करना था। या फिर हमारे हमसे ये पूछा था कि एक वैल्यू दिया है और उसके बाद पूछते कि वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं। इस तरीके का दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया लास्ट एक्सरसाइज में। अब इस एक्सरसाइज में एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू यानी रूट एक्स अल्फाबेट जो है वो अल्फाबेट का वैल्यू क्या है, तो हमें एक्स का वैल्यू यहाँ का फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सॉल्यूशन में इक्वेशन को वैसे की वैसा लिखा, और फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप होगा आपका ये जो स्टार्टिंग का जो कोएफिशिएंट है आपका, स्टार्टिंग का टर्म को ले, यहाँ पर क्या है वन है। अगर कोई नंबर इधर नहीं लिखा होता तो कोएफिशिएंट वन होता है, तो यहाँ का ये वन, और ये लास्ट का, स्टार्टिंग का और लास्ट का लेना है, मिडिल वाला नहीं। लास्ट का क्या टर्म है 54, फर्स्ट का जो नंबर है कोएफिशिएंट है वन, लास्ट का टर्म 54, इन दोनों को पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है मल्टीप्लाई, 154 कितना मिलेगा आपको 54, तो इंटू करने पर आपको क्या मिला 54 मिला। और ये 54 का साइन, उसके जस्ट पीछे जो साइन है वो क्या है प्लस, तो प्लस करने में उसके पीछे का नंबर क्या है 15। देखो मैंने क्या बताया आपको, स्टार्टिंग का नंबर और लास्ट का नंबर को इंटू करो। इंटू किया 154 इंटू करने में 54, और उसके जस्ट पीछे का साइन क्या है 54 के प्लस, प्लस करने में पीछे जाइए 15, प्लस करने में 15। ऐसा कोई दो नंबर आपको ढूंढ निकालना है जिनको इंटू करने में 54 है और जिनको प्लस करने में 15 है। ओके, तो हमें ऐसा दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको इंटू करने पे 54 और प्लस करने में 15 मिले। आप मन में मेंटल कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली ये करेंगे तो 9 6 54 होता है, 9 और 6 को इंटू करेंगे तो 54, और 9 और 6 को प्लस करेंगे तो 15। लेकिन ये किसी किसी को जल्दी मिलता नहीं है, मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि आप मेंटल कैलकुलेशन बराबर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कैलकुलेशन जितना हो सके आप अपने हिसाब से नंबर डालो और उसको मेंटली कैलकुलेशन करके आंसर लिखने का हैबिट लगाओ, तो जल्दी से ही आपको बहुत ही अच्छी तरह मेंटल कैलकुलेशन आपको हो जाएगा बराबर। तो अभी इंटू करने में 54 प्लस करने में 15, ऐसा कोई दो नंबर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं पता है, ये जो इंटू करने के लिए क्या मिलता है इंटू करने पर 54, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। किस टेबल में जाता है, हमको कौन से टेबल चेक करना है वो भी मैं बताती हूँ। प्राइम नंबर के टेबल चेक करना है 2, उसके बाद 3, 4 का नहीं क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 5, फिर 7, 7 के बाद 11, फिर उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, इस तरह। इतना बड़ा तक नहीं जाना पड़ता वैसे तो नॉर्मली। तो पहला 2 के टेबल में ये जाता है, लास्ट में 4 है लास्ट डिजिट, तो 2 के टेबल में जाता है। लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से कोई आया तो 2 के टेबल में जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, पहला नंबर 5 है, 2 के टेबल में 5 कितना तक आएगा, 2 1 2 2 2 4, 2 3 6 हो जाता है, जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ 5 तक है। तो 2 2 4, 2 2 4 इस 5 में से हटाओ, बाकी बचेगा 5 में 1, वो 1 को इस 4 के जस्ट पीछे डाला समझो, 4 के जस्ट पीछे डालने पे वो 14 बन जाएगा। 2 के टेबल में 14 कभी आता, 2 7 14। अब आपको ये दोनों इंटू करेंगे तो 54 ज़रूर है, इन दोनों को ऐड भी करके देखो 15 मिलता है क्या, 54 तो मिल ही जाएंगे पर 15 मिलता है क्या, इन दोनों को प्लस करने में 29 मिलता है, 15 नहीं मिलता। तो हम क्या करेंगे, 15 नहीं मिलता इसलिए आगे जाएंगे, अगर इधर 15 मिला होता तो हम यहाँ पर स्टॉप करते थे।
27 किसके टेबल में जाता है? 2 में नहीं जाता, 3 में जाता है। 3, 3 नाइन ज़ा 27, तो हमारे पास 9 आ गया। अब आपके पास ये राइट लेफ्ट साइड में दो नंबर्स है, इन दोनों को इंटू करो, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आपको 6 मिला और नीचे 9, ये 6 और ये 9, प्लस करके इंटू करेंगे तो 54 रही है। प्लस करके देखो ये 2 3 ज़ा 6 को और इसको प्लस करो, पहले ये दोनों इंटू करना भूलना नहीं, 2 3 ज़ा 6 इंटू करके 6 और यहाँ पे 9, इन दोनों को ऐड करो आप, 6 और 9 होता है 15, 6 और 9 को करेंगे तो हमें मिलता है 15। तो इस तरह हमें दो नंबर्स मिला, एक 6 और एक 9, आप ये दोनों इंटू करके 6 मिला, याद रखना 6 और 9 को इंटू करोगे तो 54 होता है, 6 और 9 को प्लस करेंगे तो 15 होता है। तो ये हमारा कंडीशन इधर पूरा हो जाता है। ओके, अभी हम यहाँ पे देयर फॉर, ऐसा ये रिंग वगैरह बना के मत रखना, आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने किया था। तो हम क्या करेंगे, एक काम कर देती हूँ, मैं इतने को अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि आपने तो सम करते करते रिंग बनाएंगे, इसके लिए फिर से मैं सॉल्यूशन करके स्टार्ट करती हूँ। ओके, क्वेश्चन को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल 0। यहाँ से 1 1 और 54 को इंटू करके 54, फैक्टराइजेशन किया, इंटू करने में 54 और ये प्लस करने में 15, हमें मिला 6 और 9। ये कुछ भी एक्चुअली आपको लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंटली भी कर सकते हो। तो हमारे पास दो नंबर मिला, एक 6 और एक 9। इनमें से पहला बड़ा वाला नंबर यूज़ करेंगे, पहला बड़ा नंबर यूज़ करेंगे, उसके बाद छोटा नंबर यूज़ करेंगे। बड़ा ये दोनों में से कौन है, 9 बड़ा है उसको पहले यूज़ करेंगे, 6 छोटा है उसको सेकंड में यूज़ करेंगे। आगे देयरफॉर डाला, फर्स्ट टर्म को वैसे ही रखना है बच्चों, याद रखना फर्स्ट टर्म चेंज नहीं होता, लास्ट टर्म भी चेंज नहीं होता, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और थर्ड चेंज नहीं होता। ओके, एक्स स्क्वायर हुआ और पहला साइन भी वैसे डाल दो, माइनस ये एक्स स्क्वायर और उसके आगे का साइन, इतने को कोई चेंज नहीं होता, लास्ट का 54 उसके पिछले साइन, इनको भी कुछ नहीं होता, चेंज होता है तो सिर्फ और सिर्फ 15x चेंज होता है। ओके, तो फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा, पहला साइन भी वैसे ही लिखा, उसके बाद ये बड़ा दोनों में से 6 और 9 में से बड़ा कौन है, 9, वो 9 लिखो, इस अल्फाबेट को लिखना 9x। अब कौन सा छोटा सा नंबर, छोटा सा नंबर कौन है, 6 को लिखना है, लेकिन ऐसा तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इधर कोई साइन होना चाहिए, पर 6 के पास कौन सा साइन है हमें पता नहीं, क्योंकि हम ये साइन तो ये 9 को दे दिया, ये साइन तो 54 ले जाने वाला है वो नहीं देगा, तो हमारे पास ये 6 को डालने के लिए यानी छोटे को डालने के लिए क्या नहीं है, साइन नहीं है। तो हम साइन बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, ये साइन और ये साइन को इंटू करेंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, माइनस इंटू प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, वो भी आपको मैं वापस इधर दे देती हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक चीज़ को आपको याद रखना है, ये भी सम के अंदर नहीं लिखना है, ये भी आपकी जानकारी के लिए। तो आपको यहाँ पर छोटे नंबर के लिए साइन आपको बनाना होगा, आपका जवाबदारी है, तो ये दोनों साइन को इंटू करेंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, तो वो साइन हम किसको देंगे, छोटे को, छोटा कौन है, 6, अल्फाबेट कौन है मिडिल का, एक्स, तो ये माइनस 15x बन गया, माइनस 9x और माइनस 6x, ये दोनों को मिला दो तो 15x ही हो जाएगा, यानी हमने किसको चेंज किया, इस माइनस एक्स को 15x को चेंज करके इतना सारा लिख दिया, समझ में आ रहा है। अभी क्या है, लास्ट वाला 54 उसके साइन के साथ प्लस 54। ओके, तो फर्स्ट टर्म चेंज नहीं हुआ, फर्स्ट साइन चेंज नहीं हुआ, यानी फर्स्ट टर्म और उसके आगे का साइन चेंज नहीं हुआ, लास्ट टर्म और उसके पिछला साइन चेंज नहीं हुआ, बाकी आगे क्या है, इक्वल्स 0, बहुत ही सिंपल है। ओके, थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ती है बस। अभी आगे क्या करना है पता है, आपके पास अभी 1 2 3 4 टर्म्स है, ये 4 टर्म्स में से आप क्या करो, पहला टर्म को, पहला दो टर्म को एक साथ लो और दूसरा दो टर्म को एक साथ लो, बीच का साइन को ऐसे छोड़ दो, पहला दो टर्म को एक साथ लो, सर्कल वगैरह कुछ बनाओ मत, समझ कर लेना, नहीं तो फिर यू कैन डू एन अंडरलाइन, फर्स्ट दो टर्म को एक अंडरलाइन करके भी रख सकते हो और लास्ट दो टर्म उसको भी सेपरेट किया, बीच का साइन ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स 0। अब आपको क्या करना है पता है,
ये जो फर्स्ट टर्म को एक ग्रुप में ले लिया, इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है मीन्स क्या सेम है, यहाँ पर वन है यहाँ पर नाइन है बराबर, तो वन जहाँ पर भी हो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, वन और नाइन, तो उधर नंबर में कोई कॉमन नहीं है। अल्फाबेट में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स है, ओके। अभी समझो इसमें से क्या कॉमन बाहर आएगा, सपोज आप में से किसी एक के पास 2 रुपया है और किसी दूसरे के पास 1 रुपया है, और मैं आप दोनों से पैसा मांगा, मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है मुझे बहुत ज़रूरी है, आपके पास जो पैसा है मुझे दे दो, तो एक जन ने बोला टीचर मेरे पास 2 रुपया ले लो, दूसरे ने बोला टीचर मेरे पास 1 रुपया आप ले लो, तो मैं बोलूँगी देखो मैं किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकती, एक के हाथ से 2 रुपया लेना दूसरे के हाथ से 1 रुपया लेना ये सही नहीं है, तो दोनों कितना दे सकता है मैक्सिमम उतना मैं ले लूँगी। तो 1 रुपया वाले ने बोला टीचर मेरे पास 1 से ज़्यादा तो है ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 ही रुपया दे सकता हूँ, और 2 रुपये वाले ने बोला मैं चाहे तो 2 रुपया भी दे सकते हैं, अगर नहीं आपको सेम सेम ही लेना है तो उससे भी 1 रुपया ले लो, मेरे से भी 1 रुपया ले लो, सेम सेम ही हो जाएगा बराबर ना। तो एक के पास 2 था एक के पास 1 था, तो कम किसके पास था, 1 वाले के पास, तो वो कम अमाउंट दोनों से लेगा, ओके। तो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स वन है, तो इनमें से कम कौन सा है, एक्स वन कम है तो इससे भी एक्स लेगा, इससे भी मैं एक्स ही लेगा, जबकि एक्स स्क्वायर है 2 बार है एक्स, लेकिन मैं 1 ही बार लेगा क्योंकि इससे तो 1 ही बार ले पाएंगे, तो मैंने एक्स बाहर निकाला, एक्स कॉमन, यहाँ पे एक ब्रैकेट डाले, यहाँ पे एक्स कितने बार थे 2 बार, यहाँ पे एक्स 2 टाइम्स थे, 1 टाइम मैंने यहाँ पर लेके गया बाहर, इनमें से भी 1 लेके गया, इसमें से भी 1 लेके गया, पर 1 ही लिखेंगे, दोनों में से 1 लिया, इसमें से 1x, इसमें से 1x, तो इसके पास 2x में से 1x बाहर निकाला तो कितना अंदर बचेगा, 1x। अब ये साइन यहाँ पे डालने का है, और 9x में से x मैंने ले गया, एक्स स्क्वायर तो नहीं था सिर्फ 1 ही x था, उसको बाहर ले गया तो क्या बचा, 9, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इतना का काम हो गया, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों। अब आगे हम जाते हैं, आगे का सिंबल क्या है, माइनस, उसको डाल देना, मिडिल जो सिंबल है उसको डाल देना। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दोनों जगह में नंबर से इधर 6 है और इधर 54 है, 6 और 54 में कॉमन क्या है, यानी मैक्सिमम किसके टेबल में जाता है, 6 जाता है 2 में 3 में और 6 में, 54 किस में जाता है, 2 में जाता है 3 में जाता है 6 में जाता है, क्या ऑब्वियसली क्योंकि 6 9 सा 54, दोनों मैक्सिमम किस में जा रहा है, 6 के टेबल में जाता है, ओके। नहीं तो ये फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, 6 और 54 दोनों कौन से टेबल में जाता है, इसके लिए भी हमें फैक्टराइजेशन हमारा मदद करेगा। 6 और 54 को मैंने इस तरह लिखा, दोनों को एक साथ फैक्टराइज कर रहा है, ये 2 में जाता है ये भी 2 में जाता है, मैंने 2 इधर लिखी, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 14, 2 7 ज़ा 14, इतना मिला। उसके बाद मैं पूछूंगी आप दोनों किसके टेबल में जाता है, तो ये बोलेगा मैं 3 में जाता, ये भी मैं 3 में जाता, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा, 3 के टेबल में जाता है 1 ज़ार और ये 3 9 ज़ार, इतना ही मैक्सिमम जाएगा क्योंकि अब ये 1 में तो कोई जाने वाला है नहीं, तो मैक्सिमम दोनों में कितना गया, किसके टेबल में दोनों गया, 2 3 ज़ा, ये दोनों इंटू करो, 2 3 ज़ा 6 के टेबल में मैक्सिमम जाएगा, तो इसमें से भी मैं 6 बाहर निकाल सकते, इसमें से भी 6 बाहर निकाल सकते, दोनों से सेम ही चीज़ बाहर निकालते, जैसे दोनों में से मैंने ये x बाहर निकाला। नंबर क्यों नहीं निकाले, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 9 है, 1 के साथ क्या कंपेयर करना, इसके लिए नहीं निकाला नंबर, पर अल्फ़ाबेट तो था तो एक अल्फ़ाबेट बाहर निकाली थी। यहाँ पे अल्फ़ाबेट दोनों में नहीं है लेकिन नंबर तो है, मैक्सिमम किसके टेबल में, 6 के टेबल में, तो 6 को बाहर निकाला, ओके। उसके अलावा भी आपको मैं बताऊँ और एक इजी मेथड, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में क्या मिला, एक्स, तो आने वाले ब्रैकेट में भी आपको क्या ही मिलना चाहिए, एक्स, नहीं तो मैच नहीं होगा। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x माइनस 9 मिला तो आगे वाले ब्रैकेट में भी x माइनस 9 ही मिलेगा आपको, तो यहाँ पे से x ब्रैकेट के अंदर बचना है तो किसको बाहर आना होगा, x को अंदर रखना है, किसको बाहर आना होगा, ज़रूर 6 को बाहर आना होगा, इसलिए हमने 6 निकाला, ऐसा भी सोच सकते हो। तो मैंने 6 को बाहर निकाला, यहाँ पे x बचा है, ओके, और उसके साथ ये सीधा आप कुछ भी सोचने के बिना लिख सकते हो x माइनस 9। एक बार ये लिखने के बाद इंटू करके देख लेना ये सेम मिलता है क्या,
माइनस प्लस माइनस, सिक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स, माइनस माइनस प्लस, सिक्स नाइन सा 54, ओके है ना, इक्वल्स जीरो। देयरफॉर ब्रैकेट में आपको सेम मिला, उसे एक बार ब्रैकेट डाल के लिख देना, यहाँ पर भी मिला है, यहाँ पर भी मिला है, कॉमन एक बार बाहर निकालो, और उसके बाद आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट दोबारा डालेंगे। ध्यान देना, ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं आना चाहिए, इधर इंटू है पर इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर और एक ब्रैकेट डालकर बाहर पड़े हुए चीज़, अंदर x माइनस नाइन है दोनों ब्रैकेट के, बाहर क्या पड़े हैं, x है माइनस सिक्स है, एक्स माइनस सिक्स, ब्रैकेट क्लोज कर देना, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर का था उसको एक बार ब्रैकेट डाल के लिखा, ब्रैकेट के बाहर जो था उसको भी एक ब्रैकेट दे दिया, चलो ले जाओ, इक्वल्स ज़ीरो। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में आप साइन नहीं डालेंगे प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे इंडू है, इंडू भी मत डालना, नॉर्मली नहीं डाला जाता है। अब आपको x माइनस नाइन इंटू एक्स माइनस सिक्स मिला। अब मेरे बच्चों में एक बात पूछूं, अगर आपको मैं बोलूँगी x 8 इंटू फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, आप मानने के लिए तैयार है, एट फाइव ज़ा ज़ीरो, नो नेवर, बराबर। तो अगर वो जगह में मैं बोलूँ ज़ीरो फाइव ज़ा ज़ीरो इंटू फाइव ज़ीरो, आप मानोगे, ज़रूर मानोगे। थ्री इंटू ज़ीरो ज़ीरो, मानोगे, ज़रूर मानोगे। यानी आंसर अगर ज़ीरो मिलना है तो कोई तो दो नंबर में से एक तो ज़ीरो होना चाहिए, दोनों ज़ीरो रहेगा चलेगा, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है, पर कम से कम एक नंबर तो ज़ीरो होना चाहिए। इधर देखो दोनों ज़ीरो नहीं था तो आंसर ज़ीरो नहीं बनेगा, ये 40 बनता है ये, बराबर। यहाँ पे थ्री और ज़ीरो है, इंटू एक इंटू करना है, एक तो ज़ीरो है ना, तो इंटू करने में ज़ीरो आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर देखो एक टर्म, यहाँ पे दूसरे टर्म, इन दोनों को इंटू करने पे ज़ीरो अगर मिलना है तो एक तो ये फर्स्ट टर्म ज़ीरो होना चाहिए, नहीं तो ये सेकंड टर्म ज़ीरो होना चाहिए। तो हम उस हिसाब से लिखेंगे, देयरफॉर एक्स माइनस नाइन ज़ीरो होना चाहिए, व अदरवाइज नहीं तो एक्स माइनस सिक्स ज़ीरो होना चाहिए, इस तरह हम लिखेंगे। ये एक तो ये ज़ीरो होना चाहिए या फिर ये ज़ीरो होना चाहिए, ओके। तो देयरफॉर अभी इसको ज़ीरो समझ के करते हैं, एक्स ये इज़ इक्वल टू डाला, माइनस नाइन राइट साइड में जाओगे तो प्लस नाइन, ओके। और एक्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखा, माइनस सिक्स इधर से उधर जाओगे तो प्लस सिक्स, बस एक्स का दो वैल्यू हमें मिला, दैट मीन्स देर आर टू रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन इज एक्स नाइन एंड द अदर वन इज सिक्स। सो देयरफॉर क्या क्या है वैल्यू, नाइन और सिक्स, आप ऐसे सेट में डालकर लिख सकते हो, नहीं तो फिर एक्स इज इक्वल टू नाइन और एक्स इज इक्वल टू सिक्स आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह हम कंप्लीट कर सकते हो। तो फाइनल आंसर हम इस तरह लिखते हैं, नाइन एंड सिक्स आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिया हुआ क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है नाइन और सिक्स, दोनों उसके रूट्स है, ओके। सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर, लेट अस कंटिन्यू विद द सेम एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड डोंट वरी, वी विल कम विद द नेक्स्ट सम एंड स्लोली बाय डूइंग डिफरेंट सम्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज I hope you will be able to understand it well. Okay, bye-bye.